नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश में बिजली संकट खड़ा हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आज सीएम ने अपने पांच कालिदास मार्ग स्थित आवास पर बैठक करी है। बैठक में ऊर्जा मंत्री और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी को ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बिजली समस्या को लेकर जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार चल रही है। आपको अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें दिखाएंगे, जिसके चलते प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर जबरदस्त असर नजर आ रहा है। कर्मचारियों की हड़ताल से यूपी की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। यूपी के कई जनपदों में बत्ती गुल हो गई। लखनऊ, कानपुर, आगरा, देवरिया, शामली, अमेठी समेत कई जनपद ऐसे जहां पर पहले ही दिन बिजली का संकट खड़ा हो गया है, तो वहीं कई जगहों पर बत्ती गुल होने की वजह से उद्योग और छोटे कारखानों का काम ठप हो गया है। तो वहीं बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से आम जनता का जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी पानी को लेकर आ रही है, क्योंकि बिजली नहीं आने से वाटर सप्लाई बाधित है। लोगों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द बिजली कर्मचारियों से बात करे और इस हड़ताल को खत्म करवाए। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बीच राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने जब सीएम से मुलाकात करी, तमाम पहलू साझा किए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि राज्य में बिजली की आपूर्ति और वितरण पूरी तरीके से नियंत्रित है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। पिछले पांच दिनों से बिजली कर्मचारियों के कुछ संगठन अपनी एक संघर्ष समिति बना करके आंदोलन के मार्ग पे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमने उनसे बार बार वार्ता करने का, उनके साथ बैठ करके उनकी बातें सुनने, समझने और उसका निस्तारण करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हुई, बात नहीं बनी। आज फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि अभी हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं, अभी भी हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं और वार्ता के द्वार खुले हुए हैं, लेकिन वो लोग इस पक्ष को, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो बातचीत का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है, ये कहना है के शर्मा का, और तमाम जो आंदोलनरत कर्मचारी हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस बीच लखनऊ में स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर के राजनाथ सिंह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनके साथ में तमाम अन्य मंत्री भी मौजूद हैं। आज 352 परियोजनाओं की सौगात मिल रही है राजधानी लखनऊ समेत अन्य क्षेत्रों को भी, और सबसे बड़ी बात यह कि 352 परियोजनाओं की जो लागत है वो 1450 करोड़ की है। देखिए, यहीं पे प्रणाम देता हूं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, लखनऊ सौभाग्यशाली है कि उसे सांसद के रूप में आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का सानिध्य मिला है। कभी भौतिक शास्त्र के व्याख्याता रहे और मूल रूप से जिनकी कर्मभूमि मिर्जापुर थी, जिनका फलक आज विश्व स्तरीय हो चुका है, स्वभाव से अत्यंत विनम्र और मृदुभाषी लखनऊ के सांसद और देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को मैं इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं कि और दो घंटे के लिए कि यहां की चंदन जैसी माटी का गुणगान करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का हरदम अमित सम्मान रखता हूं। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, करनल ध्वनि के साथ स्वागत है। और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अशोक जी वाजपेयी,
श्री महेंद्र सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री मोहसिन रजा सदस्य विधान परिषद, श्री मुकेश शर्मा महानगर अध्यक्ष और सदस्य विधान परिषद, श्री गोकल नवाब सदस्य विधान परिषद, श्री अवनीश कुमार सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री रामचंद्र प्रधान सदस्य विधान परिषद, श्री उमेश द्विवेदी सदस्य विधान परिषद, श्री आशुतोष टंडन पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और विधायक, और श्री नीरज गोड़ा एमएलए, श्री योगेश शुक्ला बक्सी चालाब से एमएलए, श्री अमरेश कुमार एमएलए, श्रीमती संयुक्ता भाटिया पूर्व महापौर, और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबको अपनी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जो मुझे जानकारी दी गई है कि लगभग 352 परियोजनाएं, जिन परियोजनाओं की लागत 1,450.68 करोड़, उसका लोकार्पण होगा। पहले तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत प्रशंसा कर दी है, बहुत तारीफ कर दी है, लेकिन जो भी विकास कार्य लखनऊ के अंदर हुए हैं अथवा हमारे कौशल किशोर जी के क्षेत्र में हुए, मैं इसका श्रेय यदि देना चाहता हूं तो अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को श्रेय देना चाहता हूं। भले ही सारी केंद्रीय परियोजनाएं स्वीकृत क्यों ना हो जाए, जब तक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी रुचि नहीं दिखाएगा, जब तक उस ओर ध्यान नहीं देगा, तब तक इतनी जल्दी परियोजनाओं का पूरा होना या किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और बहुत ही तत्परता के साथ मुख्यमंत्री जी ने अपने इस दायित्व को यहां पर निभाया। अभी अभी आप सब कुछ दिन पहले होली के रंग में लगे हुए थे, और आज का जो मैं दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं आज हमारा यह लखनऊ विकास के रंग में रंगा हुआ हमको दिखाई देता है। शायद आप लोगों को जानकारी इस बात की नहीं होगी कि आज का यह दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आज ही मुख्यमंत्री के रूप में अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। और मैं कह सकता हूं आज तक इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है, सारे रिकॉर्ड को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने डॉक्टर संपूर्णानंद जी अब तक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस रिकॉर्ड को किसी ने तोड़ा है, हमारे योगी जी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा एक बार खड़े होकर तालियां बजाकर अपनी शुभकामनाएं। थाना खंदौली में सहेली के पिता के कारण आत्महत्या करने वाली सातवीं कक्षा की किशोरी के मामले में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी ने बेटी की सहेली से पिछले 6
महीने से अवैध रिश्ता बना रखा था। बालिका को अपने चंगुल में फंसाकर उसका लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था, लेकिन अचानक इससे तंग आकर मासूम ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। अब इस मामले में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति आगरा पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और ढांढस भी बंधाया है। पहले तो मैं उधर मिर्जापुर और उधर था, तो सोशल मीडिया के माध्यम से बेटे को पता चला, बेटे ने फ़ोन किया और इस तरह से एक बेटी है मानवीय, उसने जो है फांसी लगा ली है और पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, तो हमने डीएम से बात की और तत्काल उसका पोस्टमार्टम कराया और डॉक्टरों का पैनल बना के करवाया जी। और हम कहा कि जहाँ जैसी जगह पर कोई घटना हुई है तो उसकी सही तथ्य से जानकारी हो और उसको। बाना में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने महोखर विद्यालय में बने एस्ट्रोलॉजी लैब का उद्घाटन किया है। साथ ही जिलाधिकारी दीपा रंजन, आलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रिंसी मौर्या मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान महोखर ग्राम पंचायत प्रतिनिधि धीरेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे एस्ट्रोलॉजी में भूगोल और विज्ञान का अध्ययन करेंगे। कानपुर कोर्ट में पेशी के दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी पुलिस के रवैये से खासे नाराज नजर आए। उन्होंने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, अगर मेरा इस्तीफा चाहिए तो वो भी मैं देने को तैयार हूं। साथ ही इरफान की पत्नी ने भी कहा है कि उन्हें पति से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें हालांकि कल की बताई जा रही हैं, लेकिन सुर्खियां लगातार देखने को मिल रही हैं इस पूरे मामले में और इरफान सोलंकी अब घिरते भी चले जा रहे हैं क्योंकि पुलिस के साथ में अभद्रता उन्होंने की है। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी की छात्रा मुनमुन बनर्जी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी कि गेट में ऑल इंडिया रैंक 8वीं हासिल की है, जिसका परिणाम गुरुवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने घोषित कर दिया। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां एक तरफ उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर्स को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है, तो वहीं अब वारदात में शामिल शूटर्स के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने का फैसला हुआ है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किए जाने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद जल्द ही इनके मकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आपको बता दें कि शूटर गुलाम हसन का शहर के रसूलाबाद इलाके में मकान को गिराया जाएगा, हालांकि गुड्डू मुस्लिम के चकिया स्थित आवास पर बुलडोजर नहीं चलेगा। इसकी वजह से यह भी बताया जा रहा है कि गली बेहद सक्रिय है, ऐसे में बुलडोजर या कोई दूसरी मशीन उनके चकिया आवास तक नहीं जा सकती। तो इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रयागराज से बड़ी खबर है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। अतीक के करीबी को मुंबई से हिरासत में लिया गया है, सीबीआई ने अतीक के करीबी नसीम को हिरासत में लिया है। नसीम को पकड़कर मुंबई से प्रयागराज ला रही है सीबीआई। हत्याकांड के बाद फरार शूटर्स को मदद का आरोप है, नसीम को सीडीआर के आधार पर सीबीआई ने पकड़ा है। तो अतीक का करीबी बताया जा रहा है नसीम, जिसको मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस को लेकर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार तहसील सदर पहुंचे, जहां उन्होंने समाधान दिवस को लेकर जनसुनवाई शुरू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आए हुए प्रकरणों का तत्काल गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जाए और निस्तारणों के सत्यापन के लिए अधिकारी शिकायतकर्ताओं को कॉल करके फीडबैक लें। तो सूर्यपाल गंगवार ने सुनवाई करी है, इस दौरान उन्होंने समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए।
तो वहीं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धामी सरकार के बजट की तारीफ करी। निशंक ने कहा कि प्रदेश की सरकार में आम जनता को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है, जिसमें हर वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर धामी सरकार ने विशेष फोकस किया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के बजट के प्रचार प्रसार के लिए भाजपा प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बजट की तारीफ कर रही है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री ने पीसी करते हुए बजट की सराहना करी। इतना ही नहीं, रमेश पोखरियाल ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी दशक को उत्तराखंड के विकास का दशक बताया है, उसी दिशा में ये बजट है जो राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। दोनों को पेंशन नहीं मिल रही थी, अब उनको भी पेंशन मिल सकेगी, ये प्रावधान हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। और लोक निर्माण विभाग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए 2,791.83 करोड़ का प्रावधान किया। वो अनुरक्षण के क्षेत्र में हो चाहे नए निर्माण के क्षेत्र में हो, अलग अलग मदों में भी देखेंगे तो बृहद निर्माण के लिए भी 1,244.44 करोड़ का प्रावधान किया है। तो ये जो अवस्थापनाओं का विकास में अलग अलग विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद आज हल्द्वानी पहुंचे विधायक सुमित हृदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुमित हृदेश ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों के साथ पक्षपात किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों के खिलाफ विपक्ष के विधायकों को निलंबित किया। साथ ही सुमित हृदेश ने कहा कि विपक्ष के विधायकों की मांग है कि प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। ऐसा लग रहा था कुर्सी, क्योंकि डोल रही है युवा, कुर्सी हिला रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर दूसरी लाइन में मोदी जी मोदी जी मोदी जी, मुझे तो लगा कहीं गलती से अडानी जी का नाम ना ले लें बीच बीच में। लेकिन असलियत यह है कि सत्र को सही से ना चलने दिया जाए, इसके लगातार पीठ और सरकार के बीच में एक नियोजित तरीके से प्रयास करेगा। विपक्ष को कैसे उकसाए, नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा था, अन्य सदस्यों के प्रश्न अतारंकित कर दिए जा रहे थे। और विकास की जहाँ तक बात है, हल्द्वानी का ISBT कहाँ है, हमारा जू कहाँ है, हमारी रिंग रोड कहाँ है, नजूल यहाँ पे 75% है। मैंने मांग करी कि जो मलिन बस्तियाँ हैं उनको, उनका निमितीकरण कर दीजिए, नजूल का निमितीकरण करी, भूमिधरी दीजिए। एक व्यक्ति जीवन में जीवन भर जो कमाई करता है कहीं ले तो नहीं जाता, लेकिन अगर उसकी जमीन कानूनी तौर से उसके आने वाली पीढ़ियों की हो जाए, सोचिए कितनी बड़ी बात हो। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाले G20 समिट की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं, जिसकी मॉनिटरिंग कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत कर रहे हैं। कमिश्नर दीपक रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर के ढिकुली तक सभी विभागों के बीच सामंजस्य के तहत काम कराया जा रहा है। PWD और NHI को सड़कों को जल्द सही करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रामनगर के ढिकुली में G20 समिट के आयोजन के लिए इवेंट मैनेजर भी तैनात किए गए हैं। इस G20 समिट को भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, G20 का जो रूट है पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर ढिकुली तक का, इसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बीच तालमेल बिठाते हुए काम किया गया है। इसमें सबसे पहले तो खैर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है, इसमें एयरपोर्ट को भी एक नया लुक दिया जा रहा है। एक तरीके से उसमें जो जो चीज़ें छूटी हैं वो पूरी कराई जा रही हैं, चाहे उनका अराइवल एरिया हो, वेटिंग एरिया हो, डिपार्चर एरिया हो। उसके बाद जो एयरपोर्ट के बाद की जो रोड्स हैं मटकोटा बैंड तक, मटकोटा के बाद इंदिरा चौक तक, इंदिरा चौक के बाद फिर ये गदरपुर होते हुए गड़प्पू तक और ढिकुली तक, इसमें NHAI की रोड्स पर रिसर्फेसिंग, जो मीडियन है मीडियन में बहुत अच्छी घास लगाई जा रही है, प्लांटेशन हो रहे हैं। जो रोड साइड में सरकारी दीवारें हैं, इसमें जो उधम सिंह नगर का प्राधिकरण है उसको एक काम दिया गया है कि उसमें आकर्षक उत्तराखंड के कल्चर पे, उत्तराखंड की थीम पे पेंटिंग्स, ये काम भी अच्छा चल रहा है। कुछ टेम्प्रेरी नेचर के इंक्रोचमेंट्स हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।